नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में सपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया, कहा कि भाजपा को हमेशा झूठ बोलती है, वह लोगों का ध्यान भटकाती है। कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले हमेशा हिंसा कराती है। आईपीएल के 17वें सीजन में जिन दो टीमों पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी वह है केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स और फाफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन दोनों टीमों ने अभी तक एक भी खिताब नहीं जीता है और अपने पहले खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगी। हालांकि इनके लिए रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है। दिल्ली को जहां कप्तान ऋषभ पंत की वापसी से काफी मजबूती मिली है, वहीं बेंगलुरु को महिला प्रीमियर लीग में अपनी फ्रेंचाइजी की कामयाबी से विश्वास मिला होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार है। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि हम एक पक्षीय तरीके से सीमा में किसी भी तरह के बदलाव का सख्ती से विरोध करेंगे। दरअसल बीते दिनों पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था और वहां सेला टनल का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी के दौरे के बाद चीन ने बयान जारी कर प्रधानमंत्री के दौरे पर विरोध जताया था। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पलायन के मुद्दे से देश भर में चर्चाओं में आई कैराना लोकसभा सीट पर इस बार भी हर किसी की नजर लगी हुई है। इस समय सीट पर भाजपा का कब्जा है। इस सीट पर अभी चुनावी दंगल में 3 योद्धा ही नजर आ रहे हैं। हसन परिवार की बेटी इकरा हसन के सामने इस बार जहां विरासत को बचाना चुनौतीपूर्ण है, वहीं सांसद प्रदीप चौधरी को जनता दल के लगातार 2 बार सांसद रहे हरपाल सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर भाजपा को जीत लाना बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सियासत गर्मा गई है। पश्चिमी यूपी की मेरठ, बागपत, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर सीट पर एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। इन सीटों पर 1952 से लेकर 2019 के चुनाव तक कांग्रेस के 30 प्रत्याशी संसद तक पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी रबड़ी देवी के भाई और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव को कोर्ट ने राहत दी है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज विनय प्रकाश तिवारी की अदालत से जमानत दे दिया गया। करीब 37 दिन जेल में रहने के बाद सुभाष यादव को जमानत मिली। दरअसल निचली अदालत में सुभाष यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन यहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद स्पेशल कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की, यहां से सुभाष यादव को जमानत मिल पाई। दर्शकों को मनोरंजन का भरपूर डोज देने के लिए अलग अलग जॉनर की कई फिल्में सिनेमा घरों में लगी हुई है। बीते सप्ताह सिद्धार्थ मल्होत्रा की बहुप्रतीक्षित फिल्म योद्धा और अदा शर्मा अभिनीत फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी ने सिनेमा घरों में दस्तक दी। इसके साथ ही कुछ अन्य फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इनमें आर माधवन और अजय देवगन की फिल्म शैतान और यामी गौतम अभिनीत फिल्म आर्टिकल 370 शामिल है। भाजपा नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा विपक्षों के द्वारा पूरी तरह से भंग की जा रही है। यही वजह है कि आज कोई भी प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से कर रहा है तो राजद के विधायक उनकी कनपट्टी में गोली मारने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, मेंटेनर और अन्य पदों सहित विभिन्न कार्यकारी और गैर कार्यकारी पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन सभी पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।